आप लोग ध्वनि प्रदूषण नहीं कीजिएगा। और जो मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं वो है बेटा जी कि आपके लिए हमारे कोचिंग संस्थान ने, आपकी बेहतरी के लिए हमारे कोचिंग संस्थान ने और हमारे माननीय संकेत सर जी ये व्यवस्था दिए हैं। ये व्यवस्था के बाद भी आपके फीसों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आप इसके लिए कोचिंग का आभार व्यक्त करें, हमारे संस्थापक माननीय संकेत सर जी का भी आभार व्यक्त करें। और आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। और ध्यान से सुनिए बेटा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बार बार बातें नहीं करूंगा, काम की बातें होंगी। प्लीज कीप क्वाइट। आप जो कल पढ़े मुझसे, आपने पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस में हार्मोन की भूमिका, अर्थात शुक्ल जनन में हार्मोन की भूमिका। और नजदीक, अच्छा, थोड़ा मन में एक अजीब फीलिंग है और अंदर से बड़ा स्वाभिमान हो रहा है कि ध्यान से अंदर से बड़ा स्वाभिमान हो रहा है कि सर जी के द्वारा हमें यह मौका मिला। और अंदर से मैं बहुत खुश हूं, थोड़ा डर भी है क्योंकि कल देख रहे थे आप, मैं जब शुरू किया था तो थोड़े मेरी अंगुलियां डिस्पैच हो रही थी, यानी हट रही थी। ऐसा होता है पहली दफा। चलिए हम लोग फिर सुनते हैं बात। प्लीज माय डियर किप्ट क्वाय, हम अपने कहानी को कल से आगे बढ़ाएंगे, जो कल छूट गया था। आप एक बार दोबारा मटेरियल को समझ लें, जो बच्चियां कल नहीं आई थी तो मैं दोबारा बेटा दोहराऊंगा तो नहीं, क्योंकि एक ही में अगर फंसे रहे तो बहुत चैप्टर लंबा होता है, बहुत सिलेबस लंबा है इंटर का। हमने जो है वो LH, FSH और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन को डिस्चार्ज कर दिया था, और वो हार्मोन डिस्चार्ज हुए थे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड, यानी ग्रंथि से। अब जो है, ध्यान से सुनो लड़की, मारेंगे चपेट और बाहर कर देंगे, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट जो बच्चा ध्यान से सुन लिया, मेरा या गुरुदेव जी का, आप लंबी इनिंग खेलोगे जिंदगी में। क्वेश्चन बनते नहीं हैं बेटा जी, बनाए जाते हैं। और जिसको ये हुनर इंटर में आ गया, वो इंटर में अच्छे नंबर लाएगा और कंपटीशन में भी जब करेगा तो अच्छे नंबर रहेंगे। चलो पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया कि LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकला और इसने वृषण में मौजूद लाइडिंग कोशिका को क्या किया, उद्दीपित किया, उत्तेजित किया कि तुम भी कुछ करो। तो हमारा अंतराली कोशिका जो शुक्र जनन नलिका के बीच बीच में अगल बगल होता है, ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के दौरान ये दो हार्मोन निकालता है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेन। ये दोनों हार्मोन मिलकर बेटा जी शुक्र जनन क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को प्रारंभ कर देते। प्रारंभ करने का मतलब है कि ये स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्र जन कोशिका को रेडी कर देते हैं।
इन दो हार्मोनों का काम है, किसका? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। अभी एक रह गया फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन FSH। ये हार्मोन जो है बेटा सर्टोली कोशिका को, मैंने बताया था ना आपको कि वृषण के नलिकाओं में बीच बीच में सर्टोली कोशिका पाई जाती है, हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। मेरी आवाज क्लियर है ना? गुड, थोड़ा बोलिएगा, मेरी आवाज टाइट है। तो सर्टोली कोशिका के ऊपर FSH फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन उत्प्रेरित करेगा, तो पहला हार्मोन शुरू में निकलेगा उसे बोलेंगे बेटा एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो हार्मोन है कौन? एंड्रोजेन बाइंडिंग। ये जो हार्मोन है बेटा जी, ये क्या करेगा? सर्टोली कोशिका को उद्दीपित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप सर्टोली कोशिका को उद्दीपित करेगा तो हार्मोन निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र जनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी, जो किसके लिए जरूरी है? शुक्र जनन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ होता है, उसके बाद एक और सर्टोली कोशिका से निकलेगा प्रोटीन, इनहिबिन प्रोटीन। आप लोग ग्राफ में देखना, कल मैं बनाया हूं, इनहिबिन प्रोटीन निकलेगा तो यह ब्रेन में संदेश देगा कि अब तो शुक्र जनन प्रारंभ हो गया है सर, अब आप FSH के लेवल को कम करें, क्योंकि अगर बार बार FSH निकलेगा तो उजनेनिस क्रिया क्लियर नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार शुक्र जनन की क्रिया पर हार्मोन का नियंत्रण क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन यही था कि शुक्र जनन क्रिया में हार्मोन का नियंत्रण अथवा भूमिका। जो बच्चे कल नहीं आए थे उन्हें आज का तो समझ में आएगा, लेकिन कल वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कमी उनकी है। अगर हम एक ही पॉइंट को रोज पकड़कर बैठे रहेंगे तो कोर्स बहुत लंबा है। एक दिन नागा का मतलब है कि आप दो दिन पीछे चल गए, है ना? तो चलो उससे आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना? अभी तो पेन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो चीज लिखवा दिया है। चलिए उसमें आगे लिखिए। अब जो कल नहीं आए थे बेटा उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए उसे आगे लिखिए। कहां तक लिखी थी बेटी, बोलो जो स्राव करता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब लिखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लिखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कोष्टक में लिख लो LH, और अंतराली कोशिका, और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन, उद्दीपन हार्मोन के प्रभाव के कारण, के प्रभाव के कारण शुक्र जनन नलिका के, शुक्र जनन नलिका के अगल बगल, अगल बगल पाई जाने वाली, अगल बगल पाई जाने वाली लाइडिंग कोशिका, लाइडिंग कोशिका
क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण क्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण दो, जिसके कारण दो नर हार्मोन, जिसके कारण दो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, लिखा जाएगा ना इस पर टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजेन हार्मोन का स्राव करती है, जिसके कारण शुक्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण शुक्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। रुक जाइए, शुक्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो गई, यानी बेटा जी ध्यान से सुनो, LH और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन, ये दोनों ने अपना कार्य किया बेटा, किस कोशिका पर? लाइडिंग कोशिका पर। और ये जब कार्य किया तो ये दो हार्मोन को निकाला, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेन, और ये दोनों कैसे हैं? नर हार्मोन है। इन्होंने तुरंत क्रिया किया और शुक्रजनन की क्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। अब तो प्रारंभ हो गया, लेकिन बेटा जी एक अभी बच गया है। कौन बच गया है? FSH, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन। अभी ये बचल है, ये बड़ा भी होता है और छोटा भी, इसके उत्तर को कर देते हो, मैं लघु में भी एक लिखवा दूंगा। ये तो दीर्घ ही लिख रहे हैं, एक लघु की 4-5 लाइन में इस उत्तर को कैसे लिखा जाएगा। जिस स्टूडेंट को ये हुनर मालूम हो गया वो देख लेना बेटा, वो रटने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट के अनुसार उत्तर बनाइए, आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो चलो अब हम चर्चा करते हैं किसकी? FSH की, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन की। ये जो हार्मोन है बेटा, ये किस पर डालेगा? सर्टोली कोशिका पर। किसको प्रभाव डालेगा? सर्टोली कोशिका। आप देख लो, सर्टोली कोशिका, बेटा जी इसको सहायक कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। ये क्या करेगा? इस पर प्रभाव डालेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पहला जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको क्या कहते बताओ? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, ये निकलेगा। और ये मालूम है बेटा क्या करेगा? ये जो है ना, इसकी मात्रा को बढ़ा देगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देगा। कहां मालूम है बेटा तुमको? शुक्र जनन नलिका में बढ़ा देगा। अब और बढ़े लगेगा,
क्योंकि शुक्राणु का जन्म होना है, शुक्राणु का विकास होना है। इसके बाद जब टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता बढ़ जाएगी शुक्रजनन नलिका में, उसके बाद एफएसएच के प्रभाव से सर्टोली कोशिका, एफएसएच के प्रभाव से सर्टोली कोशिका एक और हार्मोन निकालेगी, प्रोटीन निकालेगी, उसका नाम है इन हीबन प्रोटीन। ये क्या करेगा मालूम है बेटा? इनहिबन प्रोटीन ये जब निकलेगा तो ब्रेन को संदेश देगा कि अब किसका स्राव कम कीजिए, इसका, एफएसएच का। तो अब फिर सुन लीजिए, एफएसएच के प्रभाव से सर्टोली कोशिका एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रजनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके उपरांत सर्टोली कोशिका एक और प्रोटीन का स्राव करेगी, जिसे इनहिबन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन एफएसएच यानी फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन को कम कर देगा और जेनेसिस क्रिया चालू हो जाएगी। अगर ये कम नहीं होगा तो शुक्र जनन की क्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। पूछो कैसे? इसलिए क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम नहीं होगा। अब मान लो कि यहां से हम यहां बढ़ गए, अब हमको लौटना है तो कोई लौटाएगा, तब तो लौटेंगे ना, है ना? तो चलो लिखो आगे, अब एफएसएच का लिख लो। आ तुम लोग घबराओ नहीं, मैं चार लाइन का भी लिखवा दूंगा, है ना? डरो नहीं बच्चों, डरो नहीं। लिखिए एफएसएच, एफ लिख ली बेटी, लिखो उसी में आगे एफएसएच यानी फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन, एफएसएच सर्टोली कोशिका को एफएसएच सर्टोली कोशिका को उद्दीपित करेगा, सर्टोली कोशिका को उद्दीपित करेगा, उद्दीपित करेगा, जिसके कारण, जिसके कारण सर्टोली कोशिका, जिसके कारण सर्टोली कोशिका एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एबीपी, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है बेटा, एबीपी, सर्टोली कोशिका एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, कोष्ठक में लिख लो एबीपी का स्राव करेगी, का स्राव करेगी, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी एवं, अब अंतिम में है, एवं सर्टोली कोशिका इनहिबिन प्रोटीन का, सर्टोली कोशिका इनहिबन या इनहिबिन एक चीज है, इनहिबन
प्रोटीन का स्राव करेगा, स्राव करेगा जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन को, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन को कम कर देगा, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन को कम कर देगा यही क्रिया। अब खत्म है उत्तर। यही क्रिया शुक्राणु जनन में, यही क्रिया शुक्राणु जनन में हार्मोन के नियंत्रण को, यही क्रिया शुक्राणु जनन में हार्मोन के नियंत्रण को प्रदर्शित कर रही है, हार्मोन के नियंत्रण को प्रदर्शित कर रही है। यह दीर्घी के लिए हो गया। अगर सपोज डैट, ध्यान से सुनिए बेटा जी, ध्यान से सुनिए आप लोग। अब सुनो ए लड़के, सुनिए, बात मत कीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसे छोटा करके 5 से 6 लाइन में बोलने की हिम्मत रखता है? कोई है? नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए। हम करें। सुन लो दोबारा, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए भी ये बड़े काम की चीज होगा। लघु, ये हुनर आना चाहिए यार। और आप जो लोग जितनी जल्दी सीख लो बेटा जी, आपके लिए बहुत अच्छा है। यस, नहीं छोटा मतलब है कि मेन पॉइंट। हाँ, अब देखो मैं कैसे छोटा कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा फिर है कि शुक्र जनन नलिका, सॉरी शुक्र जनन में हार्मोन की भूमिका, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, सुन लो फिर। हाइपोथैलमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को डिस्चार्ज करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पीयूष ग्रंथि 3 हार्मोन FSH, LH, लुटिनाइजिंग उद्दीपन हार्मोन निकलेगा। LH और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन, सुनो, लाइडिंग कोशिका को उद्दीपित करेगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेन निकलेंगे। ये 2 हार्मोन शुक्र जनन क्रिया को प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद FSH सर्टोली कोशिका को उद्दीपित करके एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन डिस्चार्ज करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देगा, एवं सर्टोली कोशिका इनहिबिन प्रोटीन स्रावित करेगी, जो FSH की मात्रा को कम कर देगा। शुक्र चरण की क्रिया पूर्ण हो गई। 4 लाइन नहीं, वाह, अरे दीर्घी लिखवा ही बेटा, तो 4 लाइन में 5 नंबर मिल तो नहीं, उत्तर बढ़ाना पड़ेगा। लघु में 5 लाइन में 2 नंबर मिलेगा, दीर्घी में कम से कम तोरा बेटा 120 शब्द लिखना पड़ेगा। तो दीर्घी के लिए ये देखो, मैंने कुछ किया, एक पन्ना के अलैया 4 लाइन में कर दली। ये कला जिस दिन तुमको आ गई ना बेटा जी, मेरा बात तो मानो यारो, कोई विषय तुम्हारे लिए भारी नहीं रहेगा। बस कॉन्सेप्ट समझो, क्या इसको छोटा करें कि छोड़ दें? गुड, आप लोग हम लोग के कोचिंग कहते हैं ना कि बेटा कि पुत बढ़ता है पिता के धर्म से, है ना, और नसीब खुलता है अपने कर्म से।
स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, ये जो एक साल तुम्हारा है इतना अनमोल है बेटा जी, और वो रुपया दे देगा तो ये समय नहीं आएगा। सोर्स इज फोर्स एंड मनी इज पावर, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। या करके डिमांड है तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, चार लाइन में लिखे प्लीज, या लिखे आएगा ना, उतरवे के नीचे या कर दा। अभी हमने मगही भाषा का प्रयोग किया क्योंकि अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार होता है। चलिए लिखते हैं या करके, इसको छोटा कर दो, लिख दो हाइपोथैलमस गोनेडोट्रोपिन, हाइपोथैलमस गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करेगी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करेगी जिसके प्रभाव से मास्टर ग्रंथि FSH, LH, FSH, LH और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन स्रावित करेगा LH और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन, LH और अंतराली कोशिका उद्दीपन हार्मोन लाइडिंग कोशिका को प्रभावित करेंगे, लाइडिंग कोशिका को प्रभावित करेंगे जिससे टेस्टोस्टेरोन, यहां लिख ले बेटा, जिससे टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजेन, जिससे टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजेन निकलेंगे तथा शुक्रजनन प्रारंभ हो जाएगा। शुक्रजनन क्या हो जाएगा बेटा, प्रारंभ हो जाएगा, जिसके बाद लिख लो, अब इससे छोटा क्या कर सकते हैं, जिसके बाद एफ एस एच सर्टोली कोशिका पर प्रभाव के फलस्वरूप
एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, यहां है एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करेगी, एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करेगी जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देगा, जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देगा एवं इनहिबिन प्रोटीन FSH, इनहिबिन प्रोटीन FSH की मात्रा को कम कर देगा। हो गया ये उत्तर, इनहिबिन प्रोटीन FSH की मात्रा को कम कर देगा। हो गया बेटा। अच्छा, उस क्वेश्चन से ये वाला कम है कि नहीं है, सीधे आधा हुआ कि नहीं हुआ, तो जो मन करे, अगर दीर्घी में आए तो शुरू वाला और लघु में आए तो जो अभी मैंने लिखवाया ये करना है। चलिए, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है, ए छोड़ो, इसको मिटाना कैसे, ऊपर कर दें, रुक जाओ, मुझे देख लेने दो, कने है ये वाला ऐसा हो जाएगा ना। ऊपर कर सक, अच्छा, बस इतना रहेगा। अच्छा, छोड़ दीजिए इसको। अब मुझे एक मटेरियल समझाना है बेटा, जो है शिशुओं में लिंग निर्धारण, ठीक है ना, ठीक है, अब लिख सकते हैं ना, गुड, थैंक यू, थोड़ा बहुत बताते रहिएगा, नौसिखिया हैं, है ना। देखिए बेटा, शिशु में लिंग निर्धारण यानी सेक्स ऑफ बेबी यानी शिशु में लिंग निर्धारण, यस, नहीं फर्टिलाइजेशन, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अभी ये प्रूफ करना है कि लड़के या लड़की पैदा करने के लिए जिम्मेवार नहीं होती है, इसके लिए जिम्मेवार होता है पुरुष। तो फर्टिलाइजेशन हो इससे पहले आप ये जान ले कि शिशु में लिंग निर्धारण क्या होगा बेटा, शिशु में लिंग निर्धारण, ध्यान से सुनिए, शिशु में लिंग निर्धारण यानी सेक्स ऑफ बेबी। आप जान लो बेटा, आपको यह मालूम है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन के फल स्वरूप कितने हो जाते हैं, 23, कितने होते हैं, 23, जिसमें क्या होगा, 22+1, मतलब ये जो 22 है इसे कहेंगे ऑटोसोम, और जो ये वाला मटेरियल है बेटा इसको बोलेंगे एलोसोम, ठीक है ना। अब एक पॉइंट आता है, दोबारा सुन लो, आपके कायिक कोशिका में गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन मैंने बताया है अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसके फल स्वरूप अंडाणु हो या शुक्राणु हो उसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 23। तो 22 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समजात, समजात मतलब
एक जैसे, और एक जो होता है वो लिंग गुण सूत्र होता है, यानी 22 है ऑटोसोम और एक जो है वो एलोसोम, ठीक है ना। अब मान लो बेटा कि मादा में लिंग गुण सूत्र ये दोनों बराबर होते हैं, कितना होता है एक्स एक्स, लेकिन मान लो बेटा पुरुष है, इसमें क्या हो जाएगा एक्स और वाई, तो 50% एक्स और 50% क्या होते हैं बेटा वाई होते हैं, यानी जो शुक्राणु बनेगा उसमें 50% एक्स और 50% वाई होते हैं। अगर मान लो, जैसे एक मिनट देख लो, अगर एक्स एक्स से फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या होगी लड़की, और अगर एक्स और वाई करेगा तो क्या होगा लड़का। महिला में गुणसूत्र कैसे होते हैं समयुग्मक, कैसे होते हैं समयुग्मक, और समयुग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस, नर में विषमयुग्मक हेटेरोजाइगस। क्वेश्चन हमारा यह है कि रुक जाओ, क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा रिपीट कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है जो गलत है, कैसे लड़कियों में यानी महिलाओं में लड़की या लड़के के जन्म का दोष दिया जाता है महिला को, जबकि यह सही नहीं है, कैसे। फिर दोबारा सुन लीजिए, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है शिशु में लिंग निर्धारण, तो कहेंगे इसका उत्तर कैसे होगा, उत्तर ऐसे दीजिएगा कि महिला में लिंग गुण सूत्र एक्स ही होते हैं, लेकिन पुरुष में लिंग गुण सूत्र एक्स या वाई होते हैं, 50% एक्स और 50% वाई। जब पुरुष का लिंग गुण सूत्र एक्स महिला के लिंग गुण सूत्र एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो लड़की का जन्म होगा, एवं जब नर का गुणसूत्र वाई महिला के एक्स के साथ करेगा तो लड़का होगा। इसलिए यह कथन असत्य है कि लड़के या लड़की के जन्म में महिला की भूमिका होती है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है पुरुष। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, महिला में समयुग्मक यानी लिंग गुण सूत्र एक्स एक्स, पुरुष में विषमयुग्मक यानी एक्स और वाई, इसीलिए पुरुष जिम्मेवार होता है नर या मादा बच्चे के जन्म के लिए, महिला जिम्मेवार नहीं होती, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, चलिए इसमें कुछ पूछना है आप लोग को, लिखिए हमारे समाज में, क्वेश्चन बना बेटा, हमारे समाज में लड़कियों के जन्म, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है दिया जाता है बताइए कि यह सही क्यों नहीं है, बताइए कि यह सही क्यों नहीं है, बताइए कि यह सही क्यों नहीं है। तो सुन ले बेटा, महिला में लिंग गुण सूत्र क्या हो गया एक्स एक्स, पुरुष में क्या हो गया एक्स और वाई। जब पुरुष का एक्स महिला के एक्स से फर्टिलाइजेशन तो लड़की, और पुरुष का वाई महिला के एक्स से तो लड़का, यानी ये प्रूफ हो गया कि महिला लड़के या लड़की को जन्म देने के लिए
यानी कि उत्तरदायी नहीं होती, इसके लिए उत्तरदायी होता है पुरुष। फिर सुन लो, सारे क्वेश्चन तो इसमें संभव नहीं है लिखवाना, आप ध्यान देना। महिलाओं में गुण सूत्र कैसे होते हैं? समयुग्मक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या बेटा? होमोजाइगस। पुरुष में होते हैं विषमयुग्मक तो क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। 50% शुक्राणु में एक्स और 50% वाई होता है, ठीक है ना। अगर देख लो, मान लो, सुन लो, मैं क्रॉस भी बता दे रहा हूं आपको। मान लीजिए, एक मिनट, चाहे यहीं पर रख देते हैं, ये एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है ना। क्रॉस किए एक्स एक्स, क्रॉस हुआ एक्स एक्स, ये क्रॉस हुआ एक्स वाई, ये क्रॉस हुआ तो क्या हो गया बेटा? एक्स वाई। तो देखो 50% लड़का, 50% लड़की। तो बताओ इसमें महिला जिम्मेवार कैसे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पुरुष है, ये क्या है? नर है, मादा है, नर है, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं यहां नर, और ये क्या है बेटा? मादा। यानी ये जो दो लिंग गुण सूत्र हैं, यही तय करेंगे कि लड़का होगा या लड़की। इसीलिए महिला कतई भी जिम्मेवार नहीं होती। उत्तर लिखिए, किसी को कुछ पूछना है? जस्ट मिनट, पहले पूछ लो, जो मन करे, जितना मन करे पूछ लो, कम ऑन, बोल ना बेटा। अच्छा बताओ, समान गुण सूत्र हो तो ऑटोसोम और असमान हो तो एलोसोम, यानी एलोसोम गुण सूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। उत्तर लिखिए, कुछ पूछना है किसी को? बाबू रे, किसी लड़के या लड़की को पूछना हो, एक मिनट, एक मिनट, मन करे तो पूछ लो, नहीं पूछना है। चलिए उत्तर लिखते हैं, लिखिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण में महिला की भूमिका होती है, महिला की भूमिका होती है, क्योंकि महिला में लिंग गुण सूत्र एक्स पाए जाते हैं, महिला में लिंग गुण सूत्र एक्स पाए जाते हैं और पुरुष में एक्स और वाई पाए जाते हैं, और पुरुष में एक्स और वाई पाए जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत होगा तो बोलना। एक्स और वाई पाए जाते हैं जब पुरुष का लिंग गुण सूत्र एक्स, जब पुरुष का लिंग गुण सूत्र एक्स, यहां देख ले बेटा ग्राफ, पुरुष का लिंग गुण सूत्र क्या है बेटा? एक्स। जब महिला के लिंग गुण सूत्र एक्स के साथ, जब महिला के लिंग गुण सूत्र एक्स के साथ
निषेचन करता है तो एक्स के साथ निषेचन करता है तो लड़की का जन्म होता है, निषेचन करता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष का लिंग गुण सूत्र वाई, जब पुरुष का लिंग गुण सूत्र वाई महिला के लिंग गुण सूत्र एक्स के साथ महिला के लिंग गुण सूत्र एक्स के साथ निषेचन करता है तो लड़के का जन्म होता है, निषेचन करता है तो लड़के का जन्म होता है। इसलिए यह कहना गलत है, इसलिए यह कहना गलत है कि यह कहना गलत है कि महिला यह कहना गलत है कि महिला लड़के या लड़की के महिला लड़के या लड़की के सॉरी लड़के या महिला लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है, महिला लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। यह कहना गलत है कि महिला लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? पुरुष। महिला किसी कीमत पर उत्तरदायी नहीं है। अब रुक जाइए, अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, जस्ट मिनट प्लीज कीप क्वाइट एंड डाउन, पीछे स्टैंड अप, उठिए, कम ऑन, यस, बताइए, गुण सूत्र समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मक, गुड, उठिए, यस यस, गुण सूत्र विषम हो तो क्या कहते हैं? तो मैं उत्तर में बोल दिया, कहो विषम युग्मक, सम को समान हुई है, अब विषम तो अलग अलग है, यानी अगर इसको इंग्लिश वर्ड प्रयोग करना विषम के लिए तो हेटरो बोल हेटरोजाइगस, और समान है तो होमोजाइगस। तो विषम किस में है? नर में एक्स और वाई, और सम किस में है? महिला में एक्स और एक्स। इसीलिए मैंने यह खाका बनाया, एक्स एक्स से तो क्या होगा? लड़की। वाई एक्स से तो क्या होगा? लड़का। यानी यह मटेरियल तय कर दिया कि लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण में महिला उत्तरदायी नहीं है। जब उत्तरदायी है तो कौन है? पुरुष है। एंड डाउन प्लीज, टाइम हो गई हो बढ़ा जा। दस उनचालीस, कल आप लोग पढ़ेंगे बेटा एम्पुला का संरचना बनाते हुए निषेचन क्रिया, इसको कैसे किया जाए? अब मुझे बताना कौन,
पहले इसको कर दो ना। ओ गिलाई, ओ गुरु,